बार कोड का इस्तेमाल आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आप कहीं जाइएगा शॉप पे तो वहाँ पे देखिएगा कि बार कोड आपको मिल जाता है, कोई विजिटिंग कार्ड पर लगाया रहता है, कोई अपनी शॉप पे बार कोड को लगाया रहता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है ये बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बार कोड और बार कोड होता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। मैं आपको इस वीडियो में बार कोड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बार कोड बनाएंगे, किस तरीके से आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं और इससे आपको क्या फायदा है और बार कोड कैसे बनाया जाता है, इसका मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बार कोड और बार कोड होता क्या है। बार कोड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अपने डेटा को आप इनक्रिप्ट करके इसमें आप सेव कर सकते हैं। 1948 में सबसे पहले बार कोड को बनाया गया था। इसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी पे 1994 में बार कोड को बनाया गया था। अब बार कोड में सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब नंबर को ही उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बार कोड में आप कोई मैसेज, वाईफाई का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर, अब व्हाट्सएप का नंबर, कोई मैसेज, कुछ भी आप उसमें डेटा को इंक्रिप्ट करके उसको सेव करके किसी को सेंड करेंगे तो जैसे ही किसी को सेंड करेंगे तो वो वहाँ पे उसको स्कैन करके उसको रीड कर सकता है, तभी वो मैसेज को पढ़ सकता है। बेनिफिट की बात करें तो आप इसमें बार कोड में आप कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप नंबर, वाईफाई का नंबर, ईमेल आईडी का नंबर, आप इसमें कोई भी डेटा को उसमें इंक्रिप्ट करके किसी को सेंड करेंगे, जैसे वो उसको स्कैन करेगा तभी वो उसको रीड कर सकता है। अगर आपका कोई शॉप है तो बहुत ही आसानी से आप बार कोड को बना सकते हैं और उसको अपने दुकान पर लगा सकते हैं। आपके पास कोई भी ग्राहक आता है तो उसको आप बोल सकते हैं कि जो मेरे बार कोड है उसको आप स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप बार कोड को बनाएंगे और इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी को भी नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपना जो बार कोड है उसको स्कैन करके आपको पेमेंट भी कर सकता है। आपको अलग से टाइपिंग करने किसी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बार कोड भेज सकते हैं तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बार कोड को बनाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है बार कोड है। तो ये बार कोड कैसे बनाते हैं मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा और इसको स्कैन कैसे करते हैं तो मैं आपको इसको मोबाइल से स्कैन करके बताता हूं कि आप इसको स्कैन कैसे करेंगे बनाने के बाद। तो यहां आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे बार कोड रीडर, तो ये वाला एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार कोड जो है बार कोड रीडर, इससे आप अपने बार कोड को बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको स्कैन कर सकते हो। चलिए हम इसको ओपन करके आपको, मैं लैपटॉप पे में रखा हूँ उसको, मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे गया तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर लाया और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं सही से रखा भी नहीं और यहाँ पर देखिए कि इसको है डिटेक्ट कर लिया और उसमें लिखा, तो यहाँ पर लिखा गया हेलो। तो यहाँ पर देखिए मैं इस बार कोड में हेलो लिख रखा था तो यहाँ पे हेलो लिखा के आ चुका है। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि बार कोड को कैसे बनाया जाता है, कैसे जेनरेट किया जाता है। तो बार कोड बनाने के लिए आपको अपने ब्राउजर में कोई ब्राउजर को आप ओपन कर लीजिएगा और इसमें आपको डाल देना है गो क्यू आर मी। यहाँ पर देखिए आ चुका है, इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में ही ये वेबसाइट मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ से आप बहुत ही आसानी से आप जो है बार कोड को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे यूआरएल है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का है, मैसेज वगैरह का भी आप यहाँ पे बार कोड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वर्चुअल कार्ड को बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप SMS अगर किसी को चाहते हैं कि भेजे और वो आदमी जो है बार कोड को स्कैन करके पढ़े तो यहाँ से आप SMS का भी बार कोड बना सकते हैं। यहाँ कॉल मतलब फ़ोन नंबर डाल को भी
या आप जो है वार कोड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जियो लोकेशन के थ्रू भी आप जो है वार कोड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पे ईमेल वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के भी आप जो है वार कोड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाईफाई है, तो वाईफाई के भी आप पासवर्ड डाल के आप जो है वार कोड बना सकते हैं। चलिए सिंपली मैं आप दो बताऊँगा आपको। यहाँ पहले मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट पे, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पर टेक्स्ट पर क्लिक करते ये ऑप्शन अपने आपके पास ये ओपन होकर आ जाता है। इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो आप। यहाँ पर देखिए शायद में आपको यहाँ पे जो है बार कोड भी यहाँ पे बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है बार कोड भी इस तरीके से यहाँ पे बन जाता। चलिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ हेलो आप कहाँ हो, देखिए मैं जैसे यहाँ पे डाला हो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे बन चुका है। इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे टाइपिंग कीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे साइड में आपको जो है बार कोड बन जाएगा। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे योर बार कोड इस तरीके से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखने के बाद यहाँ डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है, इसको लोअर मीडियम हाई, तो आप जिस भी क्वालिटी में रखना चाहते हैं बार कोड को इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ मीडियम ही चूज़ कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर देखिए बार कोड यहाँ पर चेंज हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पर फोर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़्यादातर जो आप देखे हुईगा वार कोड वो ब्लैक ही होता है, तो आप जो है वार कोड कभी भी बनाइए तो ब्लैक ही बनाइए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि आप जो है इस कलर में से भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए इसमें से आप कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस वाले कलर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो बॉडी पर जो इसका है कलर चेंज हो चुका है। बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके जो अंदर व्हाइट है ये इसके जगह आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं रेड डाल देता हूँ, इस तरीके से पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए रेड अप्लाई हो चुका है बैकग्राउंड में। सो इस तरीके से आप कोई भी कलर को डाल सकते हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वार कोड ब्लैक में ही बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो है आप देखते होइएगा कि आपको वार कोड ब्लैक में ही मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा और इसमें से आप बॉर्डर जो जितना साइज रखना चाहते हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे जो है डाउनलोड वार कोड है, आप यस भी जी में कर सकते हैं और ईपीएस में कर सकते हैं। इसके अलावा इसका साइज आप बढ़ा घटा सकते हैं, इस तरीके से आपका साइज जो है बढ़े घटेगा। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप पीएनजी में और जेपीईजी में। चलिए हम यहाँ पीएनजी में डाउनलोड करते हैं, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि नीचे मेरा यहाँ पर डाउनलोड होके आ चुका है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कैसा है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये है वार कोड। इस तरीके से आप वार कोड को बना सकते हैं। मैं इसको ब्लैक में ही कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा होता है, और आप जो देखते भी होइएगा वार कोड ज़्यादातर ब्लैक में ही होता है, तो यहाँ से मैं ब्लैक कलर ही चूज कर लेता हूँ। इसमें मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से और यहाँ पर आपका ब्लैक कलर आ चुका है। और बैकग्राउंड का मैं व्हाइट कर लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट था, तो इस तरीके से मैं बैकग्राउंड व्हाइट कर लेता हूँ। मैं ओके कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे जो इसका चेंज हो चुका है। इसको भी इसी तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ और मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे आपका जो है लाइक करने के लिए बोलता है, तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप यहाँ कैंसिल करके हटा दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसको भी आप बार कोड बनाना चाहते हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से जो है SMS वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या सब डाल सकते हैं। यहाँ पे कंट्री कोड डालिए, एरिया कोड डालिए, फ़ोन नंबर डालिए और यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ कंट्री कोड डाल देता हूँ, इंडिया कंट्री कोड है कान में। एरिया कोड जो है आपका यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं मेरा एरिया कोड है, मैं यहीं अपना एरिया कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे कंट्री कोड, एरिया कोड और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, इस तरीके से अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, इस तरीके से आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो, जैसे यहाँ इसमें हेलो डाला, यहाँ पे देखिए आपका बार कोड जनरेट हो चुका है। हेलो गाइज, जैसे मैं यहाँ पर डाला हेलो गाइज, तो आपको जो हेलो गाइज जो है लिखे हैं आपको, ये जो वार कोड है इसमें आपको जनरेट हो चुका है, और इसमें आपका वार कोड में आपको जो है हेलो गाइज जो लिखे हैं इसमें आ चुका है। यहाँ से डाउनलोड वाले पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कि आपका वार कोड यहाँ पर आ चुका है। इसी हिसाब से आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं करेक्शन कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है
फोर बैकग्राउंड, इसमें आप जो भी आप चेंज करना चाहते हैं कलर वगैरह, इसमें से आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपका जो है कलर यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ये कलर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड को जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रख लेता हूँ ब्लू इस तरीके से, और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ब्लू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है साइज बढ़ाने घटाने का, यहाँ पे साइज बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से PNG और JPEG में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस बार यही कलर रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं PNG पर क्लिक करूँगा तो ये आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि ये कलर आ चुका है। इस तरीके से मैं आपको जितना भी डाउनलोड कर रहा हूँ मैं आपको स्कैन करके दिखाऊँगा कि इसमें क्या हैड है और क्या मैं लिखा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं इसमें क्या लिखा हूँ, वो सारे के सारे मैं स्कैन करके आपको दिखाऊँगा। इस तरीके से बैक आएंगे, इसका कलर मैं ब्लैक में कर लेता हूँ क्योंकि आप ज़्यादातर देखिए होइएगा वार कोड ब्लैक में ही होता है। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो आज का ब्लैक में ही, और उसका बैकग्राउंड व्हाइट है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ PNG पे जाऊँगा, PNG पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आ चुका है। इसको मैं आपको सभी को मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे जाऊँगा और मैं आपको इसको स्कैन करके बताऊँगा किस तरीके से आप स्कैन करेंगे, और इसमें जो हार्ड है कोई भी नंबर, कोई भी मैसेज, कोई भी जो वाईफाई का कोड वगैरह हो तो उसको आप कैसे स्कैन करेंगे खुद से वार कोड को बना के। मैं आपको वार कोड को बनाने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने लैपटॉप से वार कोड को आएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से वार कोड और बार कोड दोनों को कैसे बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको यहां पे दिखा चुका हूं वो भी कंप्लीट प्रोसेस। अब यहां पे मैं बैक आता हूं, और यहां से आप जो है जो भी आप यहां पे बनाना चाहते हैं यहां पे इजीली तरीके से आप यहां पे बना सकते हैं। इतने सारे फॉर्मेट है, आप कोई भी फॉर्मेट में यहां पे आप जो है अपने वार कोड को डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको स्कैन करेंगे जिसको मैं बनाया हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैं तीनों को डाउनलोड किया हूं, तो ये तीनों यहां पे आ चुका है। मैं इन तीनों को आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे जाके मैं इसको तीनों को आपको स्कैन करके दिखाऊंगा, और इसमें क्या हार्ड है मैं क्या लिखा था वो भी मैं दिखाऊँगा। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ गया हूँ। इस तरीके से यहाँ पर वार कोड रीडर को ओपन करेंगे, ओपन करते ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप जो है इसको स्कैन करेंगे, और बहुत ही इजीली तरीका से। चलिए मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रख रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर लाता हूँ, और देखिए यहाँ मैं सही से रखा भी नहीं तो यहाँ पे इसको स्कैन कर लिया है। और देखिए मैं वहाँ लैपटॉप पे लिख रखा था हेलो गाइज, तो यहाँ पर देखिए लिखा आ चुका है हेलो गाइज। यहाँ से आप देख रहे हैं कि किसी को SMS के द्वारा सेंड कर सकते हो, MMS के द्वारा सेंड कर सकते हो, या शेयर पर जाके यहाँ से आप व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो। देखिए इतने सारे फॉर्मेट आ चुके हैं, यहाँ से आप किसी को भी आप ये वाला जो है एप्लीकेशन इसको आप सेंड कर सकते हो जो इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी को भी सेंड कर सकते हो स्कैन करके। आपको दूसरा जो है स्कैन करके दिखाऊंगा जिसको मैं बनाया था, तो इसके लिए मैं बैक आता हूं, और बैक आने के बाद मैं सिंपली मैं दूसरा वाला एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। यहां पर जाने के बाद यहां पर देखिए मैं यहां पर रख रखा हूं वार कोड, इस तरीके से लेकर जाएंगे, और यहां पर देखिए मैं सही से रखा भी नहीं तो यहां पर इसको डिटेक्ट कर लिया। तो यहां पर देखिए लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से यहां पर किसी को शेयर कर सकते हैं SMS के द्वारा, MMS के द्वारा, और शेयर पर जाके आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप जो वार कोड को बनाएंगे और खुद से जनरेट कर लेंगे, और यहाँ से जो एप्लीकेशन बताया हूँ ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से इसको स्कैन कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद बहुत ही आसानी तरीके से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी वार कोड है उसको बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप स्कैन कर सकते हो। और मैं आपको बता दिया हूँ कि वार कोड को कैसे बनाया जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम वार कोड को बनाते हैं, उसको जनरेट करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।